हंस पखेरु चंचल पाई, समूजी पेकी मन माही, प्रीत पलू मीचो गैरास देही, फन रविदास चेतु नाही। तन तन सतगुरु रविदास महाराज की जय। आप सभी को जय गुरुदेव जी, तन गुरुदेव जी। आज की वाणी का शब्द सतगुरु महाराज जी हमें वाणी में समझाते हैं कि हंस पखेरु, जब हम इस देह को त्यागेंगे तो उस हंस की तरह हमने जब उड़ जाना है तो बाद में हमें इस मन में पछतावा आएगा कि हमने समय रहते उस प्रभु का सिमरन नहीं किया, उस प्रभु का नाम नहीं जपा हमने। जब आंखें काम आंखों से दिसता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, जो जीवा बोलने को करती है लेकिन बोल नहीं पाती है, कांपती है जे जीवा, तो हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, जब हम बैठ नहीं पाते तो उस वक्त सिमरन करने का क्या फायदा। हमें अभी से सिमरन करना शुरू कर देना चाहिए, जिसका जब सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें ऐसी अवस्था में ही सिमरन करना शुरू कर देना चाहिए जिसके हमारे हम कानों से अच्छा सुन सकते हैं, आंखों से अच्छा देख सकते हैं, जीवा से अच्छा बोल सकते हैं। तो इन्हीं हालातों में हमें शुरू कर देना चाहिए सिमरन। ये मेरी भी राय है कि हमें समय रहते ही अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना चाहिए, उस प्रभु भक्ति की तरफ हमें ध्यान कर लेना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो सतगुरु महाराज जी आज की वाणी में कहते हैं, अरे मन चेत मिचूद ना आया, कि एक दिन ऐसा आ गया कि अब वो अंत समय दिन आ गया कि जो हमें इन बातों के बारे में हमें सोचना पड़ जाएगा। तो इससे मैं इस शब्दों को मैं भजन रूपी गायन करना चाहती हूँ। रे मन चेत में जो दिन आया तो जग जाल न भया पराया, रे मन चेत में जो दिन आया, कान सुने ना नजर दिसे, जी धरु ना रहाई, जीव धरु ना रहाई, मुंडरु तन थर थर कांपे, अंतु बिरिया बहुतो आई, रे मन चेत मिचो दिन आया तो जग जाल न भया पराया, कैसो सेहत सेहत पी कुवाए संभु, तन मन बल बिल माया, मध्यान गयो तुरा चली आई, आज हो जग रहे ओ भरमाया, रे मन चेत मिचो दिन आया तो जग जाल न भया पराया, पानी गयो पलू दी झेकाया, पान गयो पलू छी झेकाया, जही तन जरा जरा ना, पाँचो था के जरा जरू साने, तो रमे मर मू ना जाने, रे मन चेत मिचो दिन आया, हंस पखेरु चंचलु पाई, सुमज पेखी मन माही, प्रीत पलु मिचो गरासे देही, फनुर विदास चेते नाही, रे मन मेच मिचो दिन आया तो जग जाल न भया
पराया, तो जग जालना भया पराया। सतनाम 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 जी, तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी। सतगुरु रविदास महाराज जी पावन शब्द में जगत गुरु रविदास महाराज जी शरीर में वास कर रहे आत्मा रूपी हंस को प्रभु नाम जप कर मूल जन्म सफल करने का पावन उपदेश देते हैं। रे मन चेत मिचुदन आया, जो जग जालना भया पराया। हे मन तुम चेतन हो जाओ और प्रभु को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे आंखें मिचने का समय अर्थात अंत समय निकट आ रहा है। अंत समय आने पर भी तुम्हें संसार रूपी जंजाल पर आया नहीं लग रहा है। भाव इस जगत में के जंजाल में से स्वयं को मुक्त करो। कान सुने ना नजरे दिसे, जे थरु ना रहाई। मुंड रु थरु थर कांपे, आहु बीमारी पहुतो आई। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये वो समय आया है कि जब हमें बीमारियों ने हम पर जंजाल डाल लिया है, हमें कितनी बीमारियां लग जाती हैं, हमारा मन अचेत रहने लगता है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं अंत समय अर्थात वृद्ध अवस्था के आने पर कान सुनने में एवं आंखों देखने में ये असमर्थ हो जाते हैं, तथा जीवा बोल नहीं पाती है, मन स्थिर नहीं रहता अर्थात मन को कई प्रकार के डर व्याप्त हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था आने पर बाल झड़ जाते हैं, शरीर कांपने लगता है और अंत मृत्यु आ जाती है। कैसो सेहत पिखो भायो शंभु, तन मन बल बिल माया। माध्यान गयो तुरा चली आई, अजो जग रहे हो भरमाया। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रभु के बिना सब कुछ झूठ लगता है। अंत तन एवं मन का बल कम होना शुरू हो जाता है। बूढ़ा अवस्था जीव जाति और एवं बुढ़ापा आ घेरता है, फिर भी जीव भटकता रहता है। पानी गयो पलू छींजे काया, जही तन जरा जराना। पांचो था के जरा जरू साने, तोरा में मुरमू ना जाना। सतगुरु महाराज जी कहते हैं शरीर को सींजने वाला श्वासों रूपी पानी का कम होना शुरू हो जाता है और इस तन को बुढ़ापा आने लगता है। पांचों इंद्रियां थक जाती हैं और फिर भी जे जीव प्रभु का भेद नहीं जान पाता है। हंस पखेरु चंचल पाई, समुझी पेखी मन माही। प्रीत पलू मिचुगरास देही, फन रविदास चेत नाही। हे चंचल मन वाले भाई, ये आत्मा रूपी हंस शरीर में से उड़ने वाला है, इस बात को तू अपने मन में समझ कर देख ले। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि हे जीव, काल पल पल शरीर को खा रहा है, फिर पुनः प्रभु को स्मरण करने का समय नहीं मिला, इसलिए तू प्रभु का स्मरण कर ले। सतगुरु महाराज जी हमें बार बार वाणी में यही कहते हैं कि सिमरन कर ले, सिमरन कर ले। सिमरन के बिना कुछ भी नहीं है, सिमरन ही तेरा पार उतारा है, सिमरन से ही सब कुछ हमारा आगे जीवन सफल हो सकता है। तो हमें अंत समय में सिमरन करने का हमारा कोई मूल्य नहीं रह जाता है कि अगर हम समय रहते ही हमें अपनी जिंदगी के सभी जो हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी हैं, जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें सिमरन भी करना चाहिए, ना कि जिम्मेदारियों से मुक्त होकर कि अब हमने सारा काम खत्म कर लिया है तो तभी हम सिमरन करें। नहीं, हमें सिमरन समय रहते ही करना चाहिए ताकि काम और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपना जीवन भी हमें सफल करना है। तो आपको मेरे शब्दों का ये जो बयान किया मैंने आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस शब्द में जो हमने ये बोला है कि
समय रहते हमें सिमरन करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हर किसी की राय को हमें देखने का समझने का मौका मिल सके। तो आप सभी को जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, सभी कमेंट में जय गुरुदेव जी जरूर लिखिएगा।